बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, लेट्स स्टार्ट योर साइंस लेक्चर टुडे। सिक्स क्लास, येस्टरडे आई हैव आस्क यू टू रीड पेज नंबर 43 एंड 44। दिस आई हैड गिवन यू द डायरी फॉर येस्टरडे। दिस वॉज आर टॉपिक एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स। We know we were discussing about the renewable energy resources and we were also discussing about the alternate energy resources, and here is another alternate energy resource, that is energy from living things। मतलब ये कहने का कि बच्चों हम alternate energy resources के बारे में बात कर रहे थे, fossil fuels के अलावा कुछ ऐसे fuels जिन्हें हम use करें और energy हासिल करें ताकि fossil fuels के ऊपर हमारी dependency कम से कम हो। तो इस सिलसिले में हम अब जो topic करेंगे वो है energy from living things, यानी जो ज़िंदा चीज़ें हैं अभी मौजूद हैं उनसे हम कैसे energy या power हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो हमारा सूरज है, सन है। सूरज से पौधों को धूप मिलती है, वो इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और इसको खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पौधों की बनाई गई खुराक जानवर इस्तेमाल करते हैं और जानवरों से दूसरे जानवर आगे, इस तरह से एक फूड चेन बनती जाती है। तो यही एनर्जी जो पौधे बनाते हैं वही इंसान इस्तेमाल करते हैं, वही इंसान के इस्तेमाल में आती हैं, वही जानवरों के इस्तेमाल में आती हैं। तो इस तरह पौधे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और सारी की सारी एनर्जी का जो सोर्स है वो सूरज है। ठीक है, सूरज के साथ मिलकर सूरज की रोशनी यूटिलाइज़ करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूटिलाइज़ करते हैं और खुराक बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस है खुराक बनाने का, और इसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पौधे ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पौधे भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं, कि हम पौधों से भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो एक और जो लिविंग थिंग से एनर्जी का हुसूल है वो है बायोमास। बायोमास जो है वो क्या है जी, बायोलॉजिकल मास है। बेसिकली ये सारी की सारी ज़िंदा चीज़ों पे अप्लाई होता है, जैसे लकड़ी है, ये अच्छे जो फॉरेस्ट्स हैं जिनका ख्याल रखा जा रहा है उनमें लकड़ी अगर जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, नए दरख्त लगाए जाते हैं और पुरानों की लकड़ी यूज़ अगर की जाती है तो ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स बन जाता है। इसी तरह जो रॉटिंग प्लांट्स हैं, यानी गलने सड़ने वाले पौधे और जानवर हैं, वो भी हीट एनर्जी पैदा करते हैं, और ये दिस एनर्जी इज़ रिलीज बाय माइक्रोब्स एज दे डाइजेस्ट द प्लांट मटेरियल। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है कि उनमें से भी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। बायोमास में एक ये देखें तस्वीर, ये बायोगैस जनरेटर है, जो गोबर होता है, काउ स्लरी है, इसको यूज़ करके मैथेन गैस बनाई जाती है, और मैथेन वही नेचुरल गैस है जो हम चूल्हों में यूज़ करते हैं। तो एक ये भी बायोमास में एक बायोगैस का भी हिस्सा आ जाता है कि ये जानवरों के फुजले से, गोबर से या काउ स्लरी से ये बनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें हो गई, लकड़ी, गलने सड़ने वाले पौधे, जानवर और बायोमास, बायोगैस। इसमें अब होता क्या है कि ये जब पौधे गलते सड़ते हैं या जो भी कूड़ा है जो गलता सड़ता है, जब उस पर बैक्टेरियल अमल हो रहा होता है, तो बेसिकली ये चीज़ें मीथेन गैस जो हैं, मीथेन खारिज करती हैं, और मीथेन हमें पता है कि ये नेचुरल गैस है और ये इस्तेमाल होती है फ्यूल के तौर पे। ठीक है जी, तो इसी फार्मूला को यूज़ करके बायोगैस भी बनाई जाती है। अक्सर बच्चों इस बात का शायद आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते हैं, जब इन्हें ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है तो इनमें बहुत बड़ी तादाद में मीथेन गैस खारिज होती है। अगर उसको यूटिलाइज़ किया जाए तो बड़े अच्छे तरीके से काम आ सकती है। इसी तरह जो सीवरेज सिस्टम है उसके पाइप्स में भी मीथेन गैस पैदा होती है। ठीक है जी, इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है कि जो भी शुगर है जो के पौधों में होती है, ग्लूकोज जो होता है, उसको
خمیر کے عمل سے الکحل میں بدلا جائے, اور الکحل جو ہے یہ ایک فیول کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. تو فرمنٹیشن بیسیکلی شوگر کین کے جوس پہ فرمنٹیشن کی جا سکتی ہے, مولاسز پہ فرمنٹیشن ان کی جاتی ہے, اور اس سے الکحل بنائی جاتی ہے, اور اس الکحل کو پیٹرول کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی یوز ہوتی ہے جیسا کہ یہ پیٹرول یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک تھا ہاؤ ڈو لیونگ تھنگز یوز انرجی, زندہ چیزیں جو ہیں وہ انرجی کیسے یوز کرتی ہیں. تو زندہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی فوٹو سینتھسس کے ذریعے پودے خوراک بناتے ہیں, یہ ہم نے آپ کو بتایا. اس میں سن لائٹ جو ہے وہ فوڈ انرجی میں چینج ہوتی ہے. اینیملز, یہ بات میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ اینیملز گیٹ دیئر فوڈ انرجی بائی ایٹنگ ادر لیونگ تھنگس, جیسے کہ کچھ جانور پودوں کو کھاتے ہیں, کچھ جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں, تو انرجی کا منبع جو ہے وہ وہی سن انرجی ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک نیکسٹ ایک پروسیس بھی ہے جس میں میجرنگ دا اماؤنٹ آف انرجی اسٹورڈ ان فوڈ ہے, اور نیکسٹ پہ یہ ایک ٹیبل ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس خوراک میں کتنی انرجی ہے. تو دیکھیے اس کو پڑھیے, ایز دا فوڈ برنز اٹ ریلیزز انرجی ایز ہیٹ, دس ہیٹ پاسز ان ٹو دا واٹر کازنگ دا ٹیمپریچر ٹو رائز, دا مور انرجی دیئر از ان دا فوڈ دا وارمر دا واٹر ول بیکم. یہ مختلف فوڈ مٹیریلس کو جلا کے پانی کو گرم کیا جا رہا ہے, تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس فوڈ مٹیریل میں کتنی انرجی موجود تھی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک تجربہ ہے, اس کو آپ ٹیبل کو دیکھیں, اس کی کیلکولیشن کو دیکھیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس چیز میں کتنے جولز انرجی موجود ہے. جول جو ہے یہ انرجی کی اکائی ہے, انرجی کی یونٹ ہے, انرجی کو میجر کرنے کی یونٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ریڈنگ میں نے آپ سے کل کہا تھا, یہ آپ لوگوں نے یقیناً کر لی ہوگی, ہم نے انڈرسٹینڈنگ بھی کر لی. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. اس کی ایکسرسائز کے کچھ کوسچنز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, اور وہ کوسچن ہم میں ابھی آپ کو کرواتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم ان کوسچنز کی طرف آتے ہیں.